ऐसे तिरंगे के कलर से सजा हुआ है, ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन। तो पीछे के लोग आपको पुश करके धक्का मार के आप आगे चले जाओगे। इतना मतलब क्या है भाई ये? कितने का ये? हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी समय हो रहा है रात के 12 और 12 बजे पूरे सिटी में, हैदराबाद सिटी में कई हलचल हो रहा है। तो वो है चारमीनार। सो अभी हम चारमीनार आए हैं और चारमीनार में देखते हैं कि कैसा माहौल रहता है, और रमजान के टाइम में 24 घंटे ये पूरा खुला रहता है। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस मार्केट और देखते क्या क्या मिलता है और कितने बजे तक मिलता है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द चारमीनार। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि बैड एक्सपीरियंस हुआ है। सो चारमीनार में क्या बैड एक्सपीरियंस हुआ और क्यों बैड एक्सपीरियंस हुआ, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। फिलहाल के लिए हम वीडियो के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारमीनार में रिनोवेशन का काम चल रहा है। सो आप इधर लाइट्स के नीचे आप देख सकते हो पूरे बाम्बूज वगैरह सब लगे हुए हैं। सो वहाँ पर रिनोवेशन का काम अभी फिलहाल चारमीनार में चल रहा है, जो कि हम अभी यहाँ पर देख सकते हैं। चारमीनार को लगकर ही यहाँ पर एक मंदिर है। इस मंदिर का नाम है श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर, जो कि चारमीनार को एकदम सटीक लगकर ही है। ये जो स्टॉल्स है जो अलग अलग टाइप के कलर्स के है, इसमें से आप कोई भी उठा लो, 100 रुपीज इसका प्राइस है। सो यहाँ पर आप अलग अलग टाइप्स के कलर्स की चॉइस भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। द फेमस निमरा कैफे एंड बेकरी, ये एकदम चारमीनार के सामने में ही है, और जो भी कोई यहाँ पर चारमीनार आता है वो निमरा कैफे में ईरानी चाय और साथ में उसके ओस्मानी बिस्किट खाना नहीं भूलता है। और फिलहाल आप देख सकते कितनी भीड़ है यहाँ पर। अभी टाइम हो रहा है करीबन 12:30 और भीड़ देखो कितनी खचाखच। चारमीनार के वॉच पे आप देख सकते हैं टाइम कितना आ रहा है, 12:45 रात के, और अभी यहाँ पर पब्लिक देखिए कितना है यहाँ पर। ये जो रमजान के जो मार्केट है ये रात भर चालू रहता है 24/7, इसीलिए आप कभी भी दिन में या रात में कभी भी आओ, 24/7 आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट पैक ये नजर आएगा यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे लेडीज के चूड़िया वगैरह यहाँ पर वो बेच रहे हैं यहाँ पर। सो लेडीज की कलेक्शन बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और बाजू वाली दुकान में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेडीज कॉस्मेटिक के जो चीजें लगती है वो सब चीजें यहाँ पर है, और साथ ही में लेडीज के जो जूते हो गए जो भी है वो सब चीजें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। वेरी रीजनेबल प्राइजेस रहता है, सो यू कैन बार्गेन और आप यहाँ से वो सब चीजें खरीद सकते हैं जो आपको पसंदीदा है यहाँ पर। ये है मक्का मस्जिद का मेन गेट। अभी फिलहाल यहाँ पर गेट बंद है और विजिटर्स आर नॉट अलाउड। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है विजिटर्स नॉट अलाउड और गेट बंद है। अभी टाइम हो रहा है रात के 1। ये है मक्का मस्जिद के अंदर के नज़ारे। सो आप देख सकते हैं कि पूरा मस्जिद को इन्होंने किस तरह से अच्छे से कलरफुल लाइट से इन्होंने इसको डेकोरेट किया है, और थोड़ी देर में अभी सहरी का टाइम होने वाला है तो उसी की तैयारी अभी यहाँ पर मक्का मस्जिद के अंदर अभी फिलहाल चल रहा है। सो मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ कि व्यू कि कैसा मक्का मस्जिद रमज़ान के टाइम में सजा हुआ है। ये जो मक्का मस्जिद है ये एग्जैक्टली चारमीनार के अपोजिट में आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी चारमीनार आए और निमरा की चाय और ओस्मानी बिस्किट ना ले ये हो नहीं सकता। सो ये मेरी चाय है निमरा की, और इसके बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं चारमीनार, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। फॉरेनर्स भी यहाँ पर आके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर पूरे कुछ इस तरह है रात के 1 बजे मार्केट। देख सकते हैं कितना हलचल है अभी रात के 1 बजे। क्या है भाई ये? कितने का ये? 80 रुपीज का एक है। चश्मे वगैरह बिक रहे हैं यहाँ पर, छोटे बच्चों के चूड़िया, ये पूरे लेडीज आइटम है पूरे यहाँ पर। आइए मैडम, 100 100 100।
चार मिनट आप टाइम देख सकते कितना आ रहा है, 1:20। पूरे लेडीज आइटम, पूरे बच्चों के लिए क्लिप्स वगैरह ये सब, ये पूरे क्लिप्स वगैरह यहाँ पर। ₹60 फिक्स रेट है ये, ₹60 का कोई भी उठा उसमें से ₹60। यहाँ पर सेल लगा हुआ है ₹300 में, कोई भी हार वगैरह आप ले सकते हैं यहाँ से सेल में, ₹300 है। ये है ₹150 के, कोई भी यहाँ से खाने की डालिया कोई भी ले लो यहाँ से ₹150। ये साइड में है ₹100। ये दुकान में अलग अलग टाइप के चेन्स है, रेंजिंग फ्रॉम 60-50 से लेके 150 तक, आप यहाँ देख सकते हैं। ये यहाँ पर चूड़िया है, इसमें से कोई भी चूड़ी लो आप, ₹100 फिक्स रेट है। अलग अलग टाइप के चूड़िया यहाँ पर, सभी ₹100 के हैं, ये भी ₹100 ही है, नीचे और ऊपर पूरे ₹100, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, ये ₹200 के हैं सब, पूरे ₹200 के सब भाई, हार वगैरह सब। चार मिनार के सामने ये जो गली जा रही है, ये है लाड बाजार। आप देख सकते हैं कितना बिजी चल रहा है ये लाड बाजार का लाइन, बहुत बिजी है ये। अभी टाइम हो रहा है 1:45, और आप देख सकते हैं अभी भी कितना रश है यहाँ पर, फुल टू रश। ₹100 ₹100 के चश्मे, सेम ₹100 और ₹200 का, ये सब चीजें। ये व्हाइट कलर के चश्मे ₹100। अब देख सकते हैं कि चारमर कैसे तिरंगे के कलर से सजा हुआ है, ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन, मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। यहाँ पर ट्रैवल बैग्स भी है, ये सब 500-600 के रेंज में है, और ये एग्जैक्टली चार मीनार के सामने ये सब दुकान है, तो आपको 500-600 में ट्रैवल बैग भी मिल जाएंगे। अपना हॉल सजाने के लिए यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल फूल्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने कितनी पब्लिक है, और चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परफ्यूम्स वगैरह, अत्तर वगैरह भी यहाँ पर वो बेच रहे हैं, और सामने में चप्पल की दुकान है, जो कि एक जोड़ी ₹200 में आपको ये चप्पल मिल जाएंगी। और पुलिस कंटिन्यूसली यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रही है कि पिक पॉकेटर से आप बचे रहिए, बिकॉज भीड़ भाड़ में बहुत लोग रहते हैं। ₹200 फिक्स रेट, ये सब चीज़ें। वॉचेस ₹100, बच्चों के जूते ये सब, ये है बड़ों के जूते यहाँ पर, ये पूरा लाइन है पूरा सा, इसके अंदर भी आप जाओगे तो अलग अलग आपको मिल जाएंगे। ये है लेडीज के ₹100 का, ये बस देख सकते हैं आप कितना है। अभी टाइम हो रहा है 2:00, लेकिन रश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पीछे बैकग्राउंड में चार्जर आप देख सकते हो। यहाँ पर कप्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, प्लेट्स वगैरह मिल जाएंगे, ₹100 में 6 प्लेट्स है ये। ₹100 के सब स्टोर्स, ₹100। ध्यान दीजिए, चार मीनार पुलिस की जानिब से जरूरी फिलहाल चार मीनार के अतराफ सेल फोन, हैंड बैग्स, पिक पैकेट चोरों से बचा रही है, और अपने सामान की हिफाजत के लिए
ये पूरे ऑटो स्टैंड है, अगर आपको बाहर निकलना है तो ये पूरे ऑटो यहाँ से लेके आप बाहर निकल सकते हैं। और ये टाइम में अभी ट्रैफिक आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है, पूरा ट्रैफिक ब्लॉक हो गया। लिटरली यहाँ पर इतना ट्रैफिक है कि अगर आप यहाँ खड़े रहोगे तो पीछे के लोग आपको पुश करके धक्का मार के आप आगे चले जाओगे, इतना मतलब पब्लिक है यहाँ पर, वो भी रात के 2:30 बज रहे हैं अभी। आप ट्रैफिक जाम देख सकते हैं, रात के 2:30 बजे भी इतना ट्रैफिक है चार मिनट के बाद, लोगों का कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इनफैक्ट अभी और लोग बाहर से और लोग आ ही रहे हैं। सो गाइज घर पहुंच गया, और घर पहुंचते पहुंचते टाइम हो गया 3:25, और वहाँ पर आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है क्योंकि लोग इतने हैं वहाँ पर कि आप खड़े रहोगे तो लिटरली आपको धक्का मार मार के आपको आगे भेज देंगे। और वहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, पार्किंग का बहुत इशू था वहाँ पर। सो बट ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था वहाँ पर, पूरे दुकानें खुले हुई थी 24 घंटे, दुकानें खुली रहेंगी जैसे कि आपको पता है रमज़ान के टाइम में। सो वो एक्सपीरियंस के लिए हम वहाँ गए थे, और ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। सो आई होप कि आपको ये चार मिनार वाला ब्लॉग अच्छा लगेगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।